पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन करेंगे, 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स। फर्स्ट पार्ट है रूट फाइव। हमने रूट फाइव को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका उल्टा कर लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं लेट रूट फाइव इज एन रैशनल नंबर। इसको हमने रैशनल नंबर मान लिया। रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट्स सपोज देयर इज एनी पी एंड क्यू, बोथ आर इंटीजर्स, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। पी वाई क्यू में मान लिया एंड पी, इफ पी एंड क्यू हैव एनी कॉमन फैक्टर, After dividing P and Q by this common factor, we get A and B, which are co-prime. सपोज अगर पी बाई क्यू जैसे 3/6 दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर होगा तो हम उसको कॉमन फैक्टर, इन दोनों का क्या है 3, तो हम डिवाइड करके दो नंबर्स जो हमें मिलेंगे वो को प्राइम्स होंगे। तो ऐसे ही हमने इसमें किया, हमने मान लिया कि पी बाई क्यू में कोई कॉमन फैक्टर है तो हमने उसको डिवाइड कर दिया उस कॉमन फैक्टर से, तो उसके बाद हमें नंबर मिले हैं ए एंड बी जो कि को प्राइम है। दैट मीन्स उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट वन। तो रूट फाइव इज इक्वल टू आ गया ए अपॉन बी। ए अपॉन बी रैशनल नंबर है तो हमारा इसी में से हम बना लेते हैं ए इज इक्वल टू बी रूट फाइव। बी को ऊपर ले जाते हैं रूट फाइव के साथ, ए इज इक्वल टू आ गया बी रूट फाइव। रूट फाइव आ रहा है तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी रूट फाइव स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये फाइव बी स्क्वायर आ जाएगा, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू फाइव सी। सी इज एन, सी इज एनी इंटीजर। हमें ए का स्क्वायर दिया था जिसमें फाइव आ रहा था, जिसमें फाइव का मल्टीपल आ रहा था, तो हमने ए में भी अगर ए स्क्वायर फाइव का मल्टीपल है दैट मीन्स ए भी फाइव का मल्टीपल होगा, तो हमने मान लिया ए इज इक्वल टू फाइव सी। तो हम यही इसको हम ये फर्स्ट इक्वेशन में ए की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, ए इज इक्वल टू फाइव सी। पुट ए इज इक्वल टू फाइव सी इन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव बी स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर फाइव सी स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव बी स्क्वायर। फाइव सी स्क्वायर 25, सी स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव बी स्क्वायर। ये फाइव से 25 कैंसिल हो जाएगा तो बी स्क्वायर आ जाएगा फाइव सी स्क्वायर। बी का स्क्वायर फाइव का मल्टीपल है, दैट मीन्स जो b होगा वो भी 5 का मल्टीपल होगा, तो हम मान लेते हैं b इज इक्वल टू 5d। d इज एनी इंटीजर। हमारे पास a इज इक्वल टू 5c आया, b इज इक्वल टू 5d आया। a एंड b बोथ हैव एटलीस्ट 5 एज कॉमन फैक्टर। दोनों में एटलीस्ट एक तो कॉमन फैक्टर है ए और बी में जो कि फाइव है, तो बाकी और भी हो सकता है वो हमें यहाँ पता नहीं। तो लेकिन हमने ऊपर लेट किया था कि ये दोनों ए और बी को प्राइम है, तो ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन में आ गया। हमने माना था कि ए एंड बी इज को प्राइम, यहाँ आ गया ए एंड बी में कॉमन फैक्टर है फाइव, तो दिस contradicts
आर एजम्पशन. तो हमने अज्यूम क्या किया था कि रूट फाइव एक रैशनल नंबर है, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, दैट मीन्स रूट फाइव इज एन इज अ इरेशनल नंबर. इज एन इरेशनल नंबर. तो हमारा प्रूव हो गया रूट फाइव इज इरेशनल नंबर, हमने ये प्रूव करना था. सेकेंड है हमारा रूट थ्री. रूट थ्री के लिए भी ऐसे ही करेंगे, लेट रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर. तो रूट थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा आर अपॉन एस. टू सपोज आर एंड एस हैव सम कॉमन फैक्टर, जैसे हमने ऊपर वाली में अज्यूम किया था वैसे इसमें करेंगे. आफ्टर डिवाइडिंग आर एस R and S by this common factor, we get A and B which are co-prime. तो हमने तो root 3 is equals to आ गया A upon B. यहाँ से A की value निकाल लो, A is equals to B root 3. Square कर दो दोनों side. Square both sides. तो ये हो गया A square is equals to 3B square. ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर थ्री का मल्टीपल है, दैट मीन्स ए बी थ्री का मल्टीपल होगा. इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लो, सी इज एनी इंटीजर. ए की इस वैल्यू को हम फर्स्ट में डाल देंगे, पुट ए इज इक्वल टू थ्री सी इन फर्स्ट. तो फर्स्ट क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह थ्री सी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री बी स्क्वायर. तो ये नाइन सी स्क्वायर हो जाएगा, थ्री बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, थ्री सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर. जो हमारा बी स्क्वायर है वो थ्री का मल्टीपल है, दैट मीन्स बी भी थ्री का मल्टीपल होगा. डी इज एनी इंटीजर. ए हमारा 3c आया था, बी हमारा 3d आ गया, दैट मीन्स ए एंड बी हैज एटलीस्ट 3 एज कॉमन फैक्टर. तो ए और बी में कम से कम एक तो कॉमन फैक्टर होगा जो कि 3 होगा. तो ये हमारी अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स our assumption. Therefore, root 3 is an irrational number. ऐसे ही अब root 2 का कर सकते हैं. Next है 3 plus 2 root 5 is irrational number. Proof करना है हमें, तो पहले हम मान लेते हैं let 3 plus 2 root 5 is an rational number. That means 3 plus 2 root 5 is equals to R upon S. So if R and S, now if R and S has common factor, after dividing R and S by this common factor, we get A and B which are co-prime. तो हम अगर आर एंड एस में कोई कॉमन फैक्टर होगा तो हम आर एंड एस को उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद हमें जो मिल रहा है वो दो नंबर है ए एंड बी, और ए एंड बी जो है वो दोनों को प्राइम होंगे. तो ए 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी. 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 3. Root 5 is equals to 1 upon 2 a upon b minus 3. अब इसमें देखो 1 upon 2 तो हमारा rational number है, a upon b minus 3 भी rational होगा. Multiplication of rational number is rational. तो 1 upon 2 a upon b minus 3 is an rational number.
तो इससे हमारा ये हमारा नंबर इक्वल है रूट फाइव के। अगर ये रैशनल है तो मीन्स रूट फाइव भी, रूट फाइव इज रैशनल नंबर विच इज नॉट ट्रू। हमने पहले प्रूव किया कि रूट फाइव जो हमारा इरेशनल नंबर है, देयरफॉर थ्री प्लस टू रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है टू, वन बाई टू इज एन इरेशनल नंबर। तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं लेट वन बाई रूट टू इज एन रैशनल नंबर। Therefore, 1 by root 2 is equals to a upon b, where a and b are coprimes. ठीक है, तो इसमें से हम root 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। root 2 is equals to आ जाएगा b upon a. b upon a is an rational number. b अपॉन इरेशनल नंबर है तो ये इक्वल टू है रूट टू के, तो इसके अकॉर्डिंग रूट टू इज अ रैशनल नंबर विच इज नॉट ट्रू। देयरफॉर वन बाय रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। इसमें भी सेम करेंगे, लेट सेवन रूट फाइव इज अ रैशनल नंबर, तो सेवन रूट फाइव इक्वल टू होगा ए अपॉन बी, जहाँ ए और बी क्या होंगे को प्राइम। यहाँ से हम रूट फाइव की वैल्यू निकाल लेते हैं, रूट फाइव इज इक्वल टू वन अपॉन सेवन इन टू ए अपॉन बी। यहाँ हमारा वन पॉइंट वन अपॉन सेवन क्या है रैशनल नंबर, ए अपॉन बी क्या है रैशनल नंबर, तो दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी रैशनल होगी, वन बाय सेवन ए अपॉन बी इज रैशनल। लेकिन हमें ये इक्वल दिया है रूट फाइव के, अगर ये रैशनल है तो दैट मीन्स रूट फाइव क्या होगा रैशनल नंबर, रूट फाइव इज अ रैशनल नंबर विच इज नॉट ट्रू। तो देयरफॉर 7 root 5 is an irrational number. ऐसे ही हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 6 plus root 2. तो 6 plus root 2 is equals to a and a upon b होगा, हमने इसको let मान लिया, let a 6 plus root 2 is rational. तो रूट टू आ गया इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस सिक्स, ए अपॉन बी माइनस सिक्स हमारा रैशनल है, रैशनल नंबर है, दैट मीन्स रूट टू इज रैशनल विच इज नॉट ट्रू। देयरफॉर रूट टू इज इरेशनल नंबर। तो हमारी 1.3 खत्म होती है, नेक्स्ट वीडियो में हम 1.4 करेंगे।